हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर क्विज सेक्शन। और इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्विज की। क्विज फॉर्मेट में एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मेनी टॉपिक्स। नो, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस हार्बिंगर हैकेथॉन, एमपी लेड स्कीम, जनरल कंसेंट, प्रोविजन ऑफ सीबीआई, ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन जीरो एमिशंस, एंड लाइक दिस वी आर गोइंग टू कवर सिक्स टॉपिक्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज द टॉपिक नंबर वन, विद रेफरेंस टू हार्बिंगर 2021, राइट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो ये एक हैकेथॉन है जो अभी किसी ने ऑर्गेनाइज कराई है। जस्ट यू हैव टू लर्न अबाउट दिस वन। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज द फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज बाई RBI। It is centered around the theme of smarter digital payments. So this is organized by RBI and smarter digital payments. ये आपको पता लगाना है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। This is the first ever global hackathon organized by the RBI. So you just need to remember Harbinger 2021 is related to the RBI. ठीक है? And RBI जब भी कोई hackathon कराएगी, what would be the aim? बहुत ही जनरली भी आप पता लगा सकते हैं, दैट इज टू बी सेंटर्ड अराउंड स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। कैसे जो एंड कस्टमर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बेटर वे में कर सकते हैं, एंड दैट वाज द एम ऑफ दिस हैकेथॉन, राइट? सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर वुड बी बोथ ऑफ दैम, राइट? सो हार्बिंगर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी कम टू द दैट इज एमपी लेड स्कीम के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, एंड दैट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2020 में सस्पेंड कर दिया था, रीजन देते हुए कि वी नीड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ दिस मच ऑफ द अमाउंट फॉर द कोविड रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। और ये वापस अभी रिज्यूम कर दी गई है, एंड दैट इज़ वाई दिस स्कीम इज़ इन न्यूज। इसके ऊपर बहुत डेप्थ में एडिटोरियल कवर किया हुआ है हमने, आप जरूर उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए यहाँ बात करते हैं। तो स्टेटमेंट वन सेज अंडर दिस स्कीम ईच MP कैन सजेस्ट वर्क्स टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नंबर वन। नंबर टू, इसमें ध्यान रखना, MP कैन सजेस्ट। सेकंड है नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड द थर्ड इज इट इज सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम। तो इसके बारे में आप पता लगा के आंसर कर सकते हैं। हम यहां पे डिस्कस करते हैं, तो ये जो MP लेड स्कीम है दैट केम इन 1993, राइट? एंड दिस वॉज अर्लियर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट when it was formed under Ministry of Rural Development, but later in the in the year of 1994 it was shifted to Ministry of Statistics and Program Implementation. yani ki abhi ye jo hai MoSPI ke under mein hai, so statement 2 jo hai aapka ye sahi nahi hai. initially it was under Ministry of Rural Development, but now it is under MoSPI, MoSPI. and yes, this is central sectoral scheme hai, isme jo funding hai pura center deta hai. isme jo funding pattern hai wo each MP ko 5 crore पे दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा और समझते हैं इसको इससे आगे। दिस स्कीम, इन दिस स्कीम क्या होता है कि 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर MP को, ईच MP को, एंड MP इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है लोकसभा का MP, एक होता है राज्यसभा का MP। तो राज्यसभा के MP को अपने स्टेट में जहां से वो चुन के आया है कहीं पे भी ये अमाउंट स्पेंड करना होता है, ही इज सपोज टू स्पेंड द होल अमाउंट ऑफ दिस 5 करोड़ इन द नो स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज ही वॉज इलेक्टेड, ठीक है? एंड लोकसभा के केस में अगर MP है तो उसे वो अमाउंट खर्च करना होता है, दैट इज टू बी यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच ही इज इलेक्टेड और शी इज इलेक्टेड, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, दिस इज द डिफरेंस। एंड इसके बाद ये MP जो है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द अथॉरिटी जिसको ये अमाउंट यूज करना होता है। सो द MP जो है वो सजेस्ट करता है, सजेस्ट कि कहाँ पे ये अमाउंट खर्च करना होता है, बट इट इज़ अल्टीमेटली द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विच इम्प्लीमेंट्स दिस स्कीम, एंड दिस इज नो MP विच हैज़ द सजेशन रोल टाइप होता है, इसके पास रिकमेंडेटरी रोल होता है, फाइनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ होती है ये स्कीम, ठीक है? तो इसके ऊपर एडिटोरियल हमने कवर किया, उस पर जरूर आप देखिएगा, बहुत डेप्थ में है। ओके, सो द स्टेटमेंट फर्स्ट सेज रिकमेंडेटरी रोल, यस दिस इज ट्रू। द सेकेंड सेज दिस इज रॉन्ग। द थर्ड इज सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द आंसर वुड बी 1 एंड 3 ओनली, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The next question is related to with reference to defense technology and trade initiative. ठीक है, which of the following statements जो हैं वो correct हैं, आपको correct identify करने हैं. The first statement says this initiative is led by defense minister of both India and USA. The second says कि it aims to create opportunities for co-production and co-development. ठीक है, of the defense equipments जो है. तो ये ध्यान रखना कि US and India के बीच की ये जो पार्टनरशिप है ये 2012 में बनी थी. ठीक है, इसके बाद ये हर ईच ईयर एटलीस्ट ट्वाइस ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और अभी जो हुई थी 11th थी वो, एंड वर्चुअली हुई थी. तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे नहीं है, दिस इज ऑन द लेवल ऑफ सेक्रेटरी. ठीक है, तो यूएस से जो है वो आते हैं अंडर सेक्रेटरी फॉर डिफेंस. ठीक है, अंडर सेक्रेटरी, और भारत से जो होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी. तो दिस इज ऑफ सेक्रेटरियल लेवल, सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, दूसरा इसका एम क्या है, इस डिफेंस आपको दिख रहा होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में ध्यान रखना कि हमने अब अगर कुछ पार्टनरशिप की है यूएस के साथ, तो डेफिनेटली एम क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू को प्रोड्यूस और को डेवलप सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल, चाहे अपने वेपन्स हो या डिफेंस रिलेटेड जो भी है. इसमें अभी यूएस के साथ इंडिया अनमैंड एरियल व्हीकल जो है वो जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो आपका आंसर होगा टू ओनली, वन इज रॉन्ग, वन सेक्रेटरी लेवल पे है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the general consent to CBI, which of the following are true? यहाँ पे बहुत important है ये general consent वाला provision, ये थोड़ा सा आप समझ लेना. It must mandatorily obtain the consent of the state government concerned before beginning to the investigation in a particular crime scene. ठीक है, दूसरा है, मतलब पहला है कि state की consent होनी जरूरी है. दूसरा है, it has the power to investigate the cases that had been registered before consent was withdrawn. ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कि मान लीजिए किसी स्टेट ने कंसेंट खींच ली है, विड्रॉ कर ली है, तो उसके बाद सीबीआई कैसे काम करेगी. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीबीआईज प्रोविजन. सो एक एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, जिसके तहत आपकी सीबीआई काम करती है. अब इसी एक्ट में एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 5. सेक्शन 5 सेज द पावर ऑफ द सीबीआई. ठीक है, एंड सेक्शन 6 सेज कहां कहां पे ये पावर होंगी सीबीआई के पास. एंड इट इज क्लियरली मेंशनड इन सेक्शन 6 कि अगर दिल्ली का मैटर है तो सीबीआई के पास पावर होगी वहां पे इन्वेस्टिगेट करने की. यूनियन टेरिटरी का मैटर है तो वहां पे भी होनी परमिशन होगी, बट इन केस ऑफ स्टेट्स उनको सीबीआई को क्या चाहिए होगी, परमिशन लेनी होगी. मतलब कंसेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड दिस कंसेंट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट है केस ऑन केस बेसिस. ठीक है, केस ऑन केस बेसिस, एंड द सेकेंड वुड बी जनरल कंसेंट. ठीक है, दोनों समझते हैं. दिस इज केस ऑन केस बेसिस एंड जनरल कंसेंट. अगर केस ऑन केस बेसिस है, यानी सीबीआई, इफ सीबीआई वांट्स टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर केस, देन दे हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट. बट इन केस ऑफ जनरल कंसेंट, जो हमेशा स्टेट ने दी हुई है, अगर कोई भी सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉइज, स्पेशली इन द मैटर ऑफ करप्शन, तो फिर वहां पे सीमलेस इन्वेस्टिगेशन की पावर रहती है सीबीआई के पास, अगर जनरल कंसेंट दी हुई है तो. राइट नाउ व्हाट इज द इशू. इशू इज कि एज मेनी एज 8 स्टेट्स हैड विथड्रॉन द कंसेंट फ्रॉम द सीबीआई, दैट वाज जनरल कंसेंट. जो उन्होंने दे रखी थी वो अभी विड्रॉ कर ली है बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई को मिसयूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज द एलिगेशन. तो जनरल कंसेंट अगर आपने विड्रॉ कर ली है तो सीबीआई के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब अब ये कंसेंट चली गई तो अब आपको केस ऑन केस बेसिस अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको क्या चाहिए होगी, स्टेट की परमिशन चाहिए होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. If the consent is withdrawn, the permission is very much required. This is true. The second is, it has the power to investigate the cases which were registered before the consent was withdrawn. That is also true. Jo consent withdraw ki hai, usse pehle jo hai, agar case register hue hai, to wahan pe investigation ko aap nahi rok sakte. Wahan pe continuously investigation chalta rahega. Is case mein main aapko do cheeze aur batana chahta hoon. So, let me erase this one. Ek Calcutta High Court ka order aaya tha in the matter of कोल माइनिंग एंड कैटल स्मगलिंग केस था ये. इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एनी ऑफ द स्टेट, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. तो ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीआई. इवन आफ्टर द कंसेंट विड्रॉल, सीबीआई इसके थ्रू जो है केस रजिस्टर कर सकती है. दूसरा एक केस और है, दैट इज दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर ऑफ 2018.
इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था इफ अ मैटर इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली टेरिटरी या फिर दिल्ली से रिलेटेड है अगर कोई क्राइम एंड दूसरे स्टेट में उसको इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को, तो फिर वहां पे भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये दो केस आप याद रख सकते हैं, सीबीआई जो है कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है यूज कर सकती है, और दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 2018 का उसमें सीबीआई अगर दिल्ली में मैटर रजिस्टर्ड है किसी क्राइम से रिलेटेड तो वहां पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो दिस वॉज अबाउट द सीबीआई, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि कंसेंट लेनी होती है, यस दैट इज ट्रू अंडर सेक्शन 6, एंड ये भी सही है, तो आपके दोनों ही सही होंगे, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू ई अमृत, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये ई अमृत इस तरह के पोर्टल जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में। सो द स्टेटमेंट इज, इट इज अ वेब पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। सो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पहला तो आपको ये बताना है। दूसरा, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ई अमृत का कि भाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है, तो द ऑब्वियस थिंग विच अपियर्स इन योर माइंड वुड बी कि दिस वुड बी फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये गलत है बिल्कुल, ई अमृत जो है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दिस इज ट्रू, बट दिस इज द जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन नीति आयोग एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके की गवर्नमेंट है, उन दोनों का ये इनिशिएटिव है। सो दिस टू इज रॉन्ग, वन इज ट्रू, द आंसर वुड बी वन ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ई अमृत पोर्टल जो है ये इंडिया एंड यूके ने मिलकर लॉन्च किया, और इसमें एम क्या है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, दिस इज द एम, दैट वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग फ्रॉम इंडिया एंड यूके की गवर्नमेंट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो एक बार डिस्कस करते हैं। ये देखिए, दिस इज विद रेफरेंस टू ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इट एम्स टू इंश्योर ओनली जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स आर सोल्ड बाय ईयर 2040, ठीक है, तो 2040 में सिर्फ इसी तरह के व्हीकल जो है उनको सेल किया जाएगा, जीरो एमिशन कार्स एंड ये। सेकंड है, इट इज अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट एट ग्लासगो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, कैसे वो देखते हैं। ये जो ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन जीरो एमिशन ऑफ ऑन कार्स एंड जो वैन्स है, इसका सही में एम यही है कि बाई द पीरियड ऑफ 2040 सिर्फ ई जो एमिशन जो ई व्हीकल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो यूज हो, यानी कि जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स जो है वो यूज होनी चाहिए बाई 2040। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द सेकंड सेज इट इज लीगली बाइंडिंग, दिस इज नॉट ट्रू, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब इसमें इंडिया ने ज्वाइन तो किया है इस इनिशिएटिव में बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहां ध्यान रखना कि इंडिया का जो पर्टिकुलर खुद का एम है दैट इज टू अचीव 30% ऑफ द स्पेशली दीज व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर कार्स होती हैं, बाई ई व्हीकल्स होने चाहिए 30% एंड 70% ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह जो होते हैं तो वो ई व्हीकल होंगे बाई द पीरियड ऑफ 2030, ठीक है। इंडिया इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन और इंडिया ने ये वाला इनिशिएटिव भी ज्वाइन कर लिया है, तो 2040 तक इंडिया पूरी कोशिश करेगा टू लॉन्च दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स ओनली, सिर्फ यही तरह के व्हीकल बिक पाए। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी इस इनिशिएटिव से, जो रोड आपके एमिशंस होते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट से, दे कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस डायरेक्शन में काम करें, ई व्हीकल्स को ही प्रमोट करें और जो एमिशंस होता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट से वो हम लिमिट कर पाए, सो दैट वी कैन एक्चुअली लिमिट द टेम्परेचर राइज विच इज सपोज टू बी लिमिटेड बाई 2°C एंड एट इट्स बेस्ट 1.5°C अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको ये 5-6 जो टॉपिक थे हमने वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी डाउट हो। तो ये पूरी क्विज अगर आपको करनी है वापस से ये समझने के बाद, तो आप फोरम ब्लॉग के 10 PM क्विज सेक्शन में जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स बाय फोरम IAS इज एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट कवर्स द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। लास्ट ईयर वी हैव हेल्प्ड मोर देन 100 students crack IAS with our current affairs classes.